ओम ज्ञानतिमीरांध्याजनाशलाक चक्षुन्मीतु नम नम कृष्ण कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदातस्वामीति नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतु से नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त शिवासादिगौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे अरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद गीता यथारूप के ऊपर डिस्कशन में तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद गीता यथारूप फोर्थ चैप्टर दिव्यज्ञान जिसका नाम है और इसके श्लोक संख्या सोलह पे चर्चा कर चुके थे कल किम कर्म किमकर्मी कवि अभी अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवेश मोक्ष से इसके आ, अनुवाद के ऊपर चर्चा किए थे इसका तात्पर्य मेरे ख्याल से वर्णाम हुआ था तो भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि वास्तविक रूप में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट मैटर है बहुत ही डिफिकल्ट है कवियों यानी ब्रह्मा या ब्रह्मा के जैसे विद्वान व्यक्ति भी वास्तव में बता नहीं सकते हैं मोहित रहते हैं इसलिए बेस्ट तरीका क्या है इनडायरेक्टली पे बोल दे रहे हैं साफ साफ तत्क कर्म प्रविक प्रवक्ष्यामी तो ओ, ऐसे एक आपको क्या कर्म करना चाहिए अर्जुन मैं प्रकृष्ट रूप में ना वक्ष्यामी मैं स्पष्ट रूप में यानी पूरी तरह से बता देता हूं ध्यान से सुन लो जिसको जानने से मोक्ष से अशुभत हर प्रकार के अशुभ से ये भौतिक जगत पूरा अशुभ ही है इससे तुम मुक्त हो जाओगे दैट इज द बेस्ट वे एंड दोज हु फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट बुदा भाव समन्वित है इसलिए भगवान भी ये चीज बोलते हैं जो अपना खुद का दिमाग लगाएंगे बुद्धि लगाएंगे या किसी अन्य व्यक्ति के बुद्धि या दिमाग के ऊपर निर्भर रहेंगे तो केवल और केवल क्या रहेंगे मोहिता भगवान यहाँ पे बोल रहे मोहित रहेंगे मोहित मतलब भ्रमित रहेंगे कोई अन्य व्यक्ति जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो ब्रह्मा के जैसा बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो ब्रह्मा के जैसा बुद्धि रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो वो भी हमको अगर कुछ गाइड करेगा तो वो गाइडेंस हमको हेल्प नहीं करेगा हालांकि ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय में आचार्य हैं तो अगर ब्रह्मा जी का हमको सौभाग्य मिल गया कि ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त मिल, मिले तो बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि वो एक महान आचार्य हैं वो हमको वही शिक्षा देंगे जो कृष्ण ने शिक्षा दिया है शुद्ध भक्ति का शिक्षा देंगे लेकिन अगर ऐस कोई ऐसे ब्रह्मा होते हैं क्योंकि कई ब्रह्मांड ब्रह्मा है बहुत सारे ब्रह्म है बहिर्मुख ब्रह्म बहिर्मुख ब्रह्मा का मतलब होता है जो कृष्ण के भक्त नहीं शुद्ध भक्त नहीं है कृष्ण के तो वो कुछ अपना भी ज्ञान देंगे उनके पास बुद्धि तो बहुत है तो ज्ञान निश्चित रूप से देंगे तो जो जो लेकिन वास्तविक जो भक्त हैं वो ऐसे ब्रह्मा के ज्ञान को भी स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए एक शास्त्र में बताया गया है ऐसा वर्णन आता है एक महान भक्ति बोलते हैं कि अगर ब्रह्मा जी भी आकर के निराकारवाद ब्रह्मवाद या मायावाद का प्रवचन दें तो उनको भी नहीं सुनना चाहिए उनको भी रिजेक्ट कर देना चाहिए मायावाद का प्रचार अगर कोई ब्रह्मा भी अगर करते हैं तो तो भगवान यही वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि किम कर्म किम द इंटेलिजेंट आर बीविल्डर्ड इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज एक्शन व्हाट इज इन एक्शन क्या असली कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मोस्ट इंटेलिजेंट लोग भी bewildered है. केवल और केवल भगवान ही जानते हैं और भगवान ही बता सकते हैं या भगवान के पचिन भगवान के के चरण कमलों में पूर्ण समर्पित जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ही बता सकते हैं तो या भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि के से श्रवण करना चाहिए सुनना चाहिए कि जीवन में हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए या डायरेक्ट भगवान से सुनना चाहिए करना चाहिए दोनों में कोई अंतर बताते हैं कृष्णा इंस्ट्रक्टेड सर्वधर्मान परिजाम बोलते हैं कि केवल मेरा शरण ले लो श्री चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने तो भी हमको यही शिक्षा दिया चैतन महाप्रु क्या बोले सरेंडर एन टू कृष्ण कृष्ण सरेंडर एन टू मी मेरे मुझे समर्पित हो जाओ चैतन महाप्रु शिक्षा कि Krishna को समर्पित हो जाओ एंड वी आर ऑल्सो सरेंडर कृष्ण को समर्पित हो जाओ तो कोई भी गुरु आचार्य साधु भक्त प्रतिनिधि जो हमको ये शिक्षा देते हैं कि आप कृष्ण को सरेंडर करें कृष्ण का आश्रय लीजिए कृष्ण के नाम का आश्रय लीजिए तो वो हमारे वास्तविक शुभ चिंतक हैं एक्चुअल वेलविशर well हैं, और वो हमको सही गाइडेंस दे रहे हैं और, और कोई भी व्यक्ति जो हमको कृष्ण के अलावा कृष्ण के प्रति समर्पित होने के अलावा कुछ भी बोलते हैं करने के लिए तो वो उनका जो इस प्रकार का शिक्षा होगा ये जो भी कर्म करने के लिए बोलेंगे वो हमेशा इनकम्प्लीट होगा और वो केवल और केवल हमको मोहित करके रखेगा इस संसार में भ्रमित करके रखेगा कुछ खास लाभ नहीं होगा इसीलिए कई बार इसीलिए कई बार कभी कभी भक्त लोग भी जो बिविल्डर हो जाते हैं आ, भक्त लोग बिविल्डर नहीं होते हैं सॉरी हम सब भक्त बने का प्रयास कर रहे हैं तो हम लोग कई बार बीविल्डर हो जाते हैं भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वी आर ट्राइंग टू बिकम कम वोट इज नाउ तो हम लोग अपने किसी वरिष्ठ भक्त के पास जाते हैं गुरु के पास जाते हैं वरिष्ठ भक्त के पास जाते हैं और बोलते हैं कैसी ऐसी समस्या है कुछ इसका समाधान बताइए मन बहुत और सारी समस्या क्या होती है भक्तों के जीवन में यानी हम हम भक्तों मतलब जब मैं अभी भक्त बोलूँ तो समझना चाहिए हम लोग की बात चल रही है कि जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हम जैसे साधकों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है घूम फिर के एक ही आती है कि मन डिस्टर्ब है मन नहीं कर रहा है जब करने का मन नहीं करता है रुचि नहीं आ रही है क्या करें अनर्थ परेशान करते हैं यही समस्या मेन रहती है हा? तो ये जो समस्या है मन से संबंधित इसका एक ही इलाज है एक ही सोलूशन है वो क्या है कृष्ण का आश्रय लेना दैट्स ऑल इसके सिवा और कोई सोल्यूशन है नहीं और इससे ज्यादा प्रैक्टिकल कोई सोल्यूशन है लेकिन समस्या क्या होती है जब ऐसा कोई जैसे मान लीजिए मैं गया किसी सीनियर भक्त के पास मैंने आप ऐसा समस्या बताया तो वो बताते हैं कि आप कृष्ण का आश्रय लीजिए कृष्ण का नाम का जप करिए तो फिर मुझे लगता है कि प्रभु जी ये तो ठीक है ये तो हम करेंगे ही कर भी कर रहे हैं हमको पूर्ण श्रद्धा है कृष्ण पे ऐसा हम बोलते हैं लेकिन आप कुछ प्रैक्टिकल बताइए प्रैक्टिकल क्या करना चाहिए तो प्रैक्टिकल के बारे में प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं सुनिए है ना प्रहलाद महाराज बताते हैं कि अः की नरसिंहा पितरव नर सिम्हा, सिम्हा, सिम्हा भागवत के साथवे स्कंद के नौ अध्याय के उन्नीस उन्नीस नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज बताते हैं जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन हर कोई संसार में ढूंढना चाहता है वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन का क्या रिजल्ट होता है सो कॉल्ड प्रैक्टिकल सोल्यूशन का क्या रिजल्ट होता है और एक्चुअल प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है वो क्या होता है बताते हैं चागतम उदनति मज्जत न तप तत्विधि हां जेष्ठावत विभोत्ताम तदुपेक्षिता नाम तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं तद उपेक्षिता नाम तद उपेक्षिता नाम मतलब जो आपके द्वारा निग्लेक्टेड है यह तदुपेक्षिता नाम यानी जिन जिन्होंने आपको निग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि जब हम भगवान को निग्लेक्ट करते, तो तो करते हैं ना तो भगवान तो ये अथ हम करते हैं भजाम में हम तो भगवान फिर निगलेक्ट कर देते हैं ऐसी oh, okay, right. so you चीज को महाराज बहुत अच्छा चीज बताते हैं ऐसे उनका मतलब शायरी के ऐसे क्या बोलते हैं दोस्तों कोयम के रूप में हाँ भगवान बोलते हैं तुम मेरे नाम में मैं तुम्हारे काम में तुम मेरे नाम में मैं तुम्हारे काम में तुम अपने काम में मैं अपने धाम में <laughs> अगर तुमको लगता है कि तुम ही मैनेज कर सकते हो अपने जीवन की समस्याओं को तो ठीक है मैनेज करो फिर मैं अपने धाम में रहता हूँ तो मुझे क्या पड़ी है? तो भगवान फिर ने छोड़ देते हैं जाओ करते रहो तो उसको बोलते हैं त्वपेक्षिता नाम क्योंकि हम पहले उपेक्षा करते हैं वी डोंट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा कृष्ण के नाम का हम आश्रय नहीं लेते हैं जब समस्या आती है तो कृष्ण के नाम का आश्रय हम नहीं लेते हैं हम कुछ और ही चीजों का आश्रय होते हैं इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है भक्त लोग को पूछे माला नहीं किया टाइम नहीं था क्या नहीं नहीं टाइम था अच्छा हेल्थ खराब था नहीं नहीं हेल्थ भी सही था तो फिर क्यों नहीं किया और मन डिस्टर्ब था इसलिए माला नहीं हो पाया ऐसा भक्तों कई बार बताते तो मन डिस्टर्ब ना होने पे माला नहीं होना Osionfish. मतलब ये तो उल्टा हो गया बल्कि मन डिस्टर्ब है तो ज्यादा माला होना चाहिए पूरा दिन बैठ के माला ही करना चाहिए मन डिस्टर्ब है तो और तो कुछ कर नहीं सकते तो चुपचाप बैठ के जब करना चाहिए रूपा जी बोले अपने एक एक बोला मैं बहुत मन बहुत डिस्टर्ब है माला कर रहे हो बोले हाँ प्रूपा जी मैं माला डेली कर रहा हूँ चार नियम का पालन कर रहे हो चारनियम का पालन भी कर रहा हूँ माला भी जब कर रहा हूँ फिर भी मन डिस्टर्ब है तो रूपा जी बोले डोज डोज को बढ़ा दो इफ बायोग राउंड यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर माइंड अगर सोलह माला जब करने से मन नियंत्रित नहीं हो रहा है मन फिर भी डिस्टर्ब हो रहा है परेशान हो रहा है छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा आ जाता है तो फिर आप नाम बढ़ा दीजिए पच्चीस माला करिए फिर भी नहीं तो बत्तीस माला करिए फिर भी नहीं तो चौंसठ माला करिए फिर भी नहीं हो रहा तो करते रहिए विदाउटेज और अल्टीमेट गोल तो यही है ना हात्म तो बुद्धि में, में होने के कारण जब जीवात्माएं आपको निग्लेक्ट कर देते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप आप उनके जीवन से चले जाते हैं तो आपके द्वारा वो केयर नहीं हो पाते हैं आपके द्वारा आपका तो आपका प्रोटेक्शन नहीं मिलता उनको आपके द्वारा फिर निगलेक्ट हो जाते हैं हाँ और इसलिए वो खुद से फिर जब प्रयास करते हैं तो अपने अपना अपना बेटरमेंट यानी अपने उद्धार के लिए अपने अच्छाई के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं फिर बोल रहे वॉट एवर रेमेडीज दे एक्सेप्ट जो भी सो कॉल्ड प्रैक्टिकल सोल्यूशन वो इस संसार में बनाते हैं ऑल दो परहेप्स टेम्परली बेनिफिशियल सर्टेनली इम्परमेंट बोलते हैं कि अपने प्रयास से भगवान को उपेक्षा करके भगवान को जो उपेक्षा करता है इस प्रकार से भगवान से उपेक्षित हो जाता है, है? तो ऐसा व्यक्ति भले ही कितना बुद्धिमान हो कितना ही ऐश्वर्य हो सब कुछ हो वो जो सर्वेक्षण बनाता है वो टेम्पररी क्षणिक रूप से कुछ लाभ प्रदान कर सकता है लेकिन परमानेंटली लाभ नहीं दे सकता है अब एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अ फादर एंड मदर कैन नॉट प्रोटेक्ट दियर चाइल्ड अ फिजिशियन एंड मेडिसिन कैन नॉट रिलीव अ पेशेंट अ सफरिंग पेशेंट एंड अ बोट ऑन द ओशन कैन नॉट प्रोटेक्ट अ ट्रॉनिंग मैन उदाहरण एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा कौन दे सकता है माता पिता ही दे सकते हैं तो बोल रहे हैं कि अगर आपका उपेक्षा हो गया है तो माँ बाप भी बच्चे को बचा नहीं सकते हैं अगर आपका उपेक्षा कर दिया गया आपने ऐसा उपेक्षा कर दिया है किसी व्यक्ति को तो ऐसा बीमार व्यक्ति को डॉक्टर और दवाइयां भी बचा नहीं सकते उसके कष्ट को हटा नहीं सकते और आपका उपेक्षा अगर हो गया है तो डूबते हुए व्यक्ति को नाव नहीं बचा सकते तो ये देख लीजिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ना प्रैक्टिकल डूबते हुए व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है नाव नाव आना नाव को प्रदान करना नाव लेकर आना उसके पास ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है है ना ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक उपाय है प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन काम नहीं करेगा अगर आपने उपेक्षा कर दिया उसने आपका उपेक्षा कर दिया तो जो व्यक्ति बीमार है ना, अभी तकलीफ में जैसे अभी हमारे वीर किस जी को समस्या हो रही है वो दवाई भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी जो है वो ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा है स्टोन हो गया है कितना कष्ट होता है तो दवाई भी है सब कुछ है लेकिन फिर भी तकलीफ हो रहा है हा? तो तो डॉक्टर और दवाई भी तो कष्ट को हटा मिटा नहीं सकती है डॉक्टर और दवाई उचित डॉक्टर उचित दवाई होने पे भी गारंटी नहीं है कि जो बीमार व्यक्ति है उसके कष्ट को उससे रिलीफ मिल जाएगा अगर वो व्यक्ति भगवान का उपेक्षा कर देता है हा? इसलिए प्रभु जी जो है दवाई वगैरह तो ले रहे हैं लेकिन भगवान को सेंटर में रख रहे हैं भगवान का उपेक्षा नहीं करना चाहिए उनका भाव है वो फिर भी जो है दवाई तो लेना है लेकिन भक्तों का दुआ चाहिए भक्त लोग आश्रय प्रार्थना करेंगे भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान अगर चाहेंगे तो फिर ये जो है दूर हो सकता है तो हम सबको प्रार्थना करना चाहिए प्रभु जी के स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए ताकि अच्छे से प्रचार कार्य कर सके हम सबको प्रार्थना करना चाहिए तो ये भक्तों का ये भाव होता है हालांकि दवाई लेते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन वो जानते हैं कि साथ में भक्तों की प्रार्थना और भगवान की कृपा तो भगवान की कृपा के बल पे ही वास्तव में ये जो बीमारी है या दुख है ये दूर हो सकता है प्रहलाद महाराज वही चीज बोल रहे हैं कि संसार का जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है बीमार व्यक्ति के लिए डॉक्टर के पास ले जाना दवाई खिलाना वो कुछ काम नहीं करेगा और बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए माँ बाप से ज्यादा और कौन सुरक्षा प्रदान कर सकता है लेकिन वो भी काम नहीं करेगा अगर भगवान का उपेक्षा हो गया है तो दैट इज वाय कंक्लूजन ये है मैं इसलिए ये वाला श्लोक निकाला ये समझाने के लिए कि वास्तव एक्चुअली में प्रैक्टिकल सोल्यूशन भगवान ही है नो बडी इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमको इसमें पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए स्पेशली भक्तों को जो भक्त है जो नाम जब कर रहे हैं उनको पूरा श्रद्धा रखना चाहिए ये नहीं बोलना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो आ, ये तो हमको पता है पता है लेकिन हम करते नहीं है तो करना चाहिए हमको तो और यही मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन है

पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनके उदाहरण के तो अनुसार करना चाहिए कि कैसे पूर्ववर्ती आचार्य पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर रहे भगवान की भक्ति किए और उनके जीवन से सारे सोल्यूशन तो जो प्रॉब्लम है वो नष्ट हो गए प्रहलाद महाराज देखिए प्रहलाद महाराज पूर्ववर्ती आचार्य महाजन है इस इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है उनके जीवन में कैसे कैसे कष्ट आए कितना कष्ट है लेकिन उन्होंने किसका असर शेल्टर लिया क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन था उनके पास केवल एक ही और वही सबसे इंपॉर्टेंट रियल प्रैक्टिकल सोल्यूशन है भगवान विष्णु का आश्चर्य तो हमको श्रद्धा रखना चाहिए सो दिस इज रिकमेंडेड इन द वर्स सच एक्शन शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट विल बी एक्सप्लेन इन द टेक्स्ट टू फॉलो तो भगवान पर निर्भर होकर के कार्य करना चाहिए भगवान जैसा बताते हैं या भगवान के शुद्ध भक्त जैसे कर चुके हैं वैसे उनके पद चिन्हों में करते हुए करना चाहिए ये है इस श्लोक का सार और ऐसा ना करने से क्या परिणाम होगा वो अगले श्लोक में बताया जाएगा To act in Krishna consciousness, one has to follow the leadership of authorized persons who are in a line of discipline succession, as explained in the beginning of this chapter. The system of Krishna consciousness was first narrated to the sun god. The sun god explained it to his son Manu. Manu explained it to his son Ekshvaku, and the system is current on this earth from that very remote time. Therefore, one has to follow in the footsteps of previous authorities in the line of discipline succession.

किस प्रकार से चेतना रखना चाहिए चे, कैसे कार्य करना चाहिए परंपरा के द्वारा भगवान के द्वारा ही निर्देशित निर्देश प्राप्त होते हैं करने के लिए और अगर इसको पालन नहीं करेगा तो बहुत बुद्धिमान हो, भी, जो है, वो हो जाएगा भ्रमित हो जाएगा इट इज सेट दैट वन कैन नॉट एंसरटेन द लॉर्ड हिमसेल्फ एक्सपेरमेंटल साक्षात भगवत प्रणीतम

ओनली एक्शन इन कृष्ण कॉन्सियस यानी कृष्ण के चेतना में या कृष्ण के द्वारा कहे जाने के अनुसार या कृष्ण को केंद्र में रख कर कृष्ण को हृदय में रख करके या कृष्ण को प्रसन्न करने हैं तो या कृष्ण के सेवा के लिए कृष्ण के संबर को समर्पण के भाव से कृष्ण की भक्ति को ही प्राप्त करने के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं वही केवल इस भौतिक संसार से व्यक्ति को मुक्त करा सकते हैं अन्यथा व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है सो थैंक यू वेरी मच विल स्टॉप हेयर Uh, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे यस कोई क्वेश्चन है यस अनिमा श्री कृष्ण हरे कृष्ण जी अभी आपने बताया कि चैंटिंग चैंटिंग करते हो तो तो अगर हम बढ़ाते हैं हैं तो बुरे आते हमारे मन में नहीं आते हैं। नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने यस yes, मैंने ऐसा नहीं बोला जी आ, मैं बोला कि अगर बुरे बुरे ख्याल आते हो अच्छे ख्याल आते हो मन डिस्टर्ब हो सुखी हो कैसी भी अवस्था क्यों ना हो केवल हमको चैंटिंग ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए आ, let, let आने दीजिए हम केवल भगवान का आश्रय लेंगे हम किसी और का आश्रय क्यों yes. यस पॉइंट है अगर कोई बच्चा है उसको कोई डिस्टर्ब करता है कोई परेशान करता है कुत्ता परेशान करता है या कोई कोई व्यक्ति आकर के डांटता धमकाता है उसको किडनैप करके ले जाता है तो बच्चे का क्या दायित्व तो है क्या वो पड़ोसी को पुकारेगा वो तो अपने बाप को ही पुकारेगा ना बाप के सिवा yes. किसी को नहीं पुकार सकता है बड़े बाप उसको आकर के प्रोटेक्शन दे या ना दे नहीं हाँ देगा तब भी तो बच्चा तो बाप को ही पुकारेगा ना सो सिमिलरली वी आर डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा कृष्णा इज आवर मास्टर आवर फादर हम हम कृष्ण पे निर्भर हैं कृष्ण ही हमारे पालक हैं और कृष्ण के हम अंश है तो हम उनको ही पुकारेंगे और निश्चित रूप में कृष्ण मदद करते हैं इसमें कोई संशय नहीं है लेकिन हम कृष्ण का आश्रय इसलिए भी नहीं लेते हैं कि कृष्ण आप हम मेरे कोई डिस्टर्बेंसेज निकाल दीजिए लेकिन जब डिस्टर्ब होते हैं तो हम केवल कृष्ण का ही आश्रय लेते हैं ये भी बात है ठीक है बराबर है ओके okay. थैंक यू प्रभु धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद प्रणाम यस अनिमा सिद्धि माता जी हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद प्रणाम यस माता जी प्रभु जी मेरा क्वेश्चन एक ऐसे था कि जैसे कभी किसी भक्त को सपने में किसी महाराज जी के दर्शन हो गए या प्रभुपाद जी के दर्शन हो गए तो इसका क्या मतलब होता है अच्छा ये बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस है बहुत ही शुभ है यानी आप उनके कृपा को प्राप्त किए हैं कृपा पात्र बने हैं इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि आप भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़िए उनका इच्छा है इसका मतलब आपके पास आशीर्वाद शुभ है और कोई प्रश्न है किसी का यस जितेश हरे कृष्णा प्रभु जी जनमत प्रणाम कितनी बार लोगों का मन भक्ति से विचलित हो जाता है हाँ सही बात तो है होता है, है। तो वही तो पूरा आज का लेक्चर जो सुना है वही करना चाहिए और कुछ नहीं करना अच्छा चाहिए <laughs> थी। थी। है, और आजा आज आप आप बताइए मेरा प्रश्न है और आप क्या कर सकते हैं अगर आपका मन डिस्टर्ब है कोई किसी व्यक्ति का मन डिस्टर्ब हो रहा है तो भगवान के आश्रय भगवान का आश्रय लेने के अलावा और आप क्या कर सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं सबसे बेस्ट बताइए ना प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल आजकल लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं ना कि कुछ प्रैक्टिकल बताइए आप बताइए क्या प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं अपने आप को समस्या से बचाने के लिए क्या आप डेथ को रोक सकते हैं क्या आप मन के डिस्टर्बें को रोक सकते हैं अनर्थों को हटा सकते हैं कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन काम नहीं करेगा ये सारे को रोका जा सकते है, नाम करके केवल और केवल कृष्णा ओनली कृष्णा कैन प्रोटेक्टर्स नो बडी हल्थ कैन प्रोटेक्ट कोई भी अन्य व्यक्ति हमको सुरक्षा प्रदान कर भी नहीं सकता है ना तो किसी के पास शक्ति है और न तो कोई जानता भी नहीं है जानता ही नहीं है कि क्या समस्या है केवल कृष्ण ही परफेक्ट डॉक्टर हैं ये आप हमेशा ध्यान रखिए और हमको पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए कि कृष्ण दूर नहीं है पहली बात तो कृष्ण हैं इस बात को स्वीकार करना चाहिए कृष्ण हैं और वो परम भगवान हैं सुप्रीम कंट्रोलर हैं वो हमारे साथ हैं उनका नाम के रूप में कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार नाम है सर्व जगत निस्तार तो कृष्ण अवतार लिए हैं नाम के रूप में तो इस श्रद्धा के साथ हम आश्रय लेंगे तब हो पाएगा समस्या सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमको अभी पूर्ण श्रद्धा नहीं विकसित हुई है तो ठीक है धीरे धीरे पूर्ण श्रद्धा विकसित होगी लेकिन कम से कम इतना तो श्रद्धा रखना चाहिए कि कैसे ले भगवान यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि चलो आपके पास श्रद्धा नहीं है लेकिन प्रीवियस पूर्व में ऐसे पूर्व में कई सारे लोग कर चुके हैं और ऐसे उदाहरण इसलिए भागवत सब दिया है ना ग्रंथ हमको श्रद्धा दिखाने के लिए कि है भगवान और केवल ऐसा नहीं करोड़ों करोड़ों साल की बात कर रहे हैं वो तो है ही इतिहास भागवत वगैरह में प्रेजेंट में भी है प्रेजेंट में भी ऐसे अनेकों भक्त हैं आप रघपात जी का जीवन देखिए रघपात जी के पास कोई पैसा नहीं था कोई पहुंच नहीं था वृद्ध व्यक्ति थे किस बल पे गए किसके किस पर निर्भर होकर के प्रोपात जी गया और इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया केवल कृष्ण पे ही निर्भर थे कृष्ण प्रोटेक्शन दिया कृष्ण सब कुछ किए तो वी फॉलो इन हिज फूट स्टेप्स ही स्नेहा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी धन्य प्रभु जी जैसे जैसे अपन माला भी करते हैं और भागवतम भी पढ़ते हैं लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम जब भी बहुत करते मतलब करते हैं जब बहुत नहीं करते हैं प्रभु जी लेकिन फिर भी थोड़ा सा परेशानी आती कोई परेशानी मतलब थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो मन एकदम विचलित तो हो जाता है तो ऐसा क्या हो समझिए भगवान में नहीं है जरूरत नहीं है समझने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ नहीं सकते हैं। मन एक ऐसी वस्तु है, मन एक ऐसा एंटिटी है जो कि समझा ही नहीं जा सकता है इसलिए इस पे टाइम वेस्ट मत करिए कि मन क्यों डिस्टर्ब हो रहा है क्यों परेशान हो रहा है ऐसा क्या हो रहा है वी डोंट रिक्वायर हमको केवल भगवान पर श्रद्धा रख करके भवन का आश्रय लेना चाहिए तो हम सफलता पूर्वक भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं जैसे आपने बताया कि मन नहीं लगता जब करने में तो प्रभु जी हमें निरंतर भगवान चाहे मन लगे चाहे ना लगे हमें भगवान का, का निरंतर जब करते रहना चाहिए यस भगवान का निरंतर जब करते रहना चाहिए भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए रोत गिड़गिड़ाना चाहिए भगवान मेरा मन डिस्टर्ब है लेकिन आपके चरण कमल की आश्रय सिवा और कोई है भी नहीं तो मैं और कहीं नहीं जा सकता हूँ आपका ही आश्चर्य लूंगा आपको अगर मदद आप मदद करना चाहते तो करिए ऐसे मुझे रखना चाहते हो तो ऐसे भी रखिए मैं फिर भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा कठिन है इतना आसान नहीं है लेकिन प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट हम प्रयास तो कर सकते हैं ना ट्राई तो कर सकते हैं तो भगवान फिर मदद करते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी वृंदावन कभी जाने का है वृंदावन में ही है हम लोग आप वृंदावन पहुंच भी गए हाँ मैं डेली वृंदा मैं हमेशा वृंदावन में ही हूँ और आप भी वृंदावन में हैं टेंशन क्यों ले रहे हैं ठीक है अभी हम लोग कुछ और लेक्चर में थे इसलिए आपने अलग तरह का कुछ पूछ लिया तो मैं ऐसे बताया एनीवे anyway, हम लोग वृंदावन दस नवंबर को जा रहे हैं पंद्रह नवंबर से ठीक अमाउंट कितना रहेगा और राकेश से आप कांटेक्ट करिए वो आपको सब बता देंगे डिटेल. जी माता जी लोग भी जा रहे माता जी माताजी लोग के लिए नहीं है वो पता नहीं मैं ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ मुझे मत बोलिएगा मैं पार्टिसिपेंट हूँ राकेशपुर और अंशपुर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो मेरे को पूछे प्रभु जी आप चलेंगे क्या मैं बोला मैं चेक किया अपना शेड्यूल देखा हाँ ठीक है चार पांच दिन का है मैं आ जाऊंगा आपके साथ तो वो लोग मेरा टिकट कर दिए हैं गेस्ट हाउस बुक कर दिए हैं मुझे कुछ पता नहीं है तो वो ऐसा बोल रहे थे कि माता जी लोग को नहीं है क्योंकि उसका कारण है वो बता रहे थे कि अभी हम इतना जल्दी प्लान कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि भक्तों को तकलीफ हो क्योंकि मैंने तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है पहली बार वो लोग वृंदावन का यात्रा निकाल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि केवल यंग डिवोटिस और प्रभु जी लोग को लेके जाएंगे इस बार और फिर नेक्स्ट टाइम से हम लोग और बड़े लेवल पर निकालेंगे तो सबको फिर हम लोग लेके जा सकते हैं ठीक है लेकिन फिर भी आप उनसे बात करिए वो जैसा डिसीजन करते हैं